यूं घूमकर और इस दुकान से जाता था तो इधर मेरा दोस्त भी रहता है, उससे भी मिलता था। और उसके अलावा क्या नाम है, घर का छोटे मोटा जो काम होता था, सामान वगैरह लेना या कुछ भी लेना, तो जल्दी से मैं यूं यहाँ से जाके अपने घर से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है भाई इसके अंदर। मेरी फेवरेट चीज तो है, लेकिन क्या है एक मिनट चेक तो करवाओ भाई। अभी अभी आया हूँ मुझे साइड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सर अजी व्लॉग्स। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई अभी आपका भाई उठा है जॉब के लिए सुबह सुबह सवेरे सवेरे। और ये देख सकते हो यार, ये बैटरी में जो बहुत सहूलत दी है इसने मुझे, क्योंकि यार सारी रात लाइट नहीं आई थी और हमें पता भी नहीं चला, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही थी। शुक्र है अब जो है नींद भी पूरी हो रही है हमारी, आहा लाख 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 करे में। और दूसरी बात ये कि यार मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रहा यार, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहा, ये मैं बिल्कुल ढीला हो गया व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि बात तो सही है। आप लोग देख सकते हो पहले मेरे व्लॉग आ रहे थे डेली, एक दिन मतलब एक दिन में जैसे मतलब 15 घंटे के बाद 18 घंटे के बाद मेरा व्लॉग आ रहा था, अब नहीं आ रहा क्योंकि यार एक तो अब जो है, पहले जो है मैं जब से आपसे वापसी आता था तो शाम भी होती थी, मतलब 6 बजे के टाइम पे शाम होती थी, मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी होती थी दिन में। और अब जब मैं आता हूँ ना तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, मगरिब का टाइम हो जाता है, क्योंकि यार मैंने देखा है कि अब जो है दिन जल्दी गुजर रहा है। और क्या नाम है, अब सर्दियों के टाइम आ रहे हैं तो वो दिन जल्दी गुजर रहा है। अब पहले दिन गर्मियों के थे तो थोड़े बहुत बड़े थे और मुझे टाइम मिल जाता था शाम के टाइम व्लॉग बनाने के लिए, तो अब ये सीन हो गया। और दूसरा सीन ये है कि आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ कि मेरी पहले जो है सहूलत होती थी, यहाँ से अपने दोस्तों से मिलने जाता था घर के सामने। अब हमारे घर में जो है एक नया घर बन रहा है बराबर में, जिसने मेरा रास्ता बंद कर दिया है वहां से, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। क्योंकि आज जल्दी जल्दी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जॉब पे भी जाना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है और मैंने सोचा मैं आपके लिए व्लॉग बना लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा और काम भी बढ़ गया है जॉब का। तो चलो आज एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए बना लेते हैं। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि व्लॉग आते रहें, तो मेरी खुद की यही कोशिश है कि मैं व्लॉग बनाता हूँ डेली, लेकिन क्या करूँ काम भी बहुत ज्यादा है कंपनी का और टाइम भी नहीं मिल पा रहा और घर के काफी ज्यादा काम है मुझे, तो कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग आता रहे मेरा। तो भाई अभी तक आपने सोलस व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भाई मैं इस व्लॉग को यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये चेक करें यार, इस टाइम पे आपका भाई उठता है। और एक मेरी सहूलत जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी, इसे समझ लो कि मैं पहले जो है, पता क्या होता पहले होता था कि मैं, ये जो मेरे सामने वाले दोस्त हैं आप देख सकते हो, सामने जो दुकान वाला मेरा दोस्त होता था, मैं यहाँ से अपने जो है जो भी है घर की सहूलत होती थी, सामान वगैरह लेना होता था मुझे, तो मैं यूं घूमकर और इस दुकान से जाता था तो इधर मेरा दोस्त भी रहता, उससे भी मिलता था। और उसके अलावा क्या नाम है, घर का छोटे मोटा जो काम होता था, सामान वगैरह लेना या कुछ भी लेना, तो जल्दी से मैं यूं यहाँ से जाके अपने घर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पड़ता था तो यहाँ से जो है यूं इस गए, ये सामने से जो है मुझे यूं जाना पड़ता था, तो यहाँ से जाके और मैं जो है वहाँ पर दुकान से जो है सामान लेता था। अब जो है साइड में ये घर बन चुका है तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस चीज़ को मतलब करते हुए ना, तो अब क्या कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि चलो गलियों में हमारे घर बन रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मेरी सहूलत जो है ख़त्म हो चुकी है, अब मैं यूं नहीं जा सकता, अब मुझे यूं जाके लंबा आना पड़ेगा, मतलब ऐसे समझो कि मेरे दोस्तों से मिलना भी बंद हो गया और यहाँ से सामान लेना भी समझे बंद हो गया, क्योंकि मैं लंबा जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस यार यही सीन है, तो अच्छी बात है, चलो सामने घर भी बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और क्या कर सकते हैं अभी। तो यार मुझे भी जल्दी जल्दी जाना है और मुझे जॉब के लिए भी तैयारी करनी है। ये भी घर बन रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा अभी तक, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये देखो कितने घासें वहाँ से बढ़ गई हैं इनके घरों में, लेकिन अच्छी बात है कि लोग आएँ और यहाँ पर आबादी हो, ये बहुत अच्छी बात है, चलो आते रहें तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि चलो इस इलाके में भी आबादी हो रही है
और ये पूरी गली मुकम्मल हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो भाई देखे टाइम क्या हो रहा है, भाई टाइम हो रहा है 6:39। तो भाई अभी मेरे पास 20 मिनट है और नाश्ता भी करने तैयार करने, क्या क्या करूंगा भाई मैं इसमें। मम्मा से देखे, मम्मा नाश्ता आपने बना लिया? देखते मम्मा ने नाश्ता तैयार कर लिया नहीं कर लिया भाई, ये चेक कर। मम्मा ने रोटियाँ वोटियाँ बना दी, इधर पराठे शराठे बना दिए मम्मा ने, और चाय भी रेडी है मम्मी। तो भाई चाय भी रेडी है। अच्छा मम्मा एक बात बताओ, मेरा शॉर्टकट बंद हो गया यहाँ से, सामने वालों का घर बन गया, अब मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना पड़ेगा, तो वो लंबा यार घूमना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं। ये अच्छी बात है मम्मा, क्योंकि हमारे घर बन रहे हैं ना। मम्मा कहती कि हमारे पड़ोस में कोई घर नहीं बन रहा, ये वो मतलब हम लोग ना थोड़ा ना वो हो रहे थे, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं मतलब, थोड़ा लग रहा था कि अजीब जगह पे रह रहे और हमारा ही घर बना हुआ, 2-4 घर बना हुए, तो अब जो ये घर बनाना स्टार्ट हो गए, ये एक अच्छी बात है। बस मेरा जो है ना ये शॉर्टकट खत्म हो गया, ये मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट आता था शॉर्टकट जाता था और अब मुझे दोस्तों से भी मिलने से गुरेज करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ से ही मैं जाता था, मिलता था उनसे और मुझे आसानी होती थी। अब मुझे यहाँ अगर इनके पास जाना पड़ेगा अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो लंबा जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाया। तो यार अभी इन बातों को छोड़ते हैं, और मुझे ना काफी ज्यादा छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट टाइम बचा है, और आपको पता है ज्यादा, और उधर जो है ना हमारा जो मैनेजर है वो थोड़ा सा भी हम लेट करते हैं ना, वो हमारे ऊपर आग बगोला हो जाता है, बोलते हैं यार आप लोग जल्दी क्या नाम है लेट आते हो, ये होते हो, और आप लोग कंपनी के सामने रहते हो फिर भी आप लेट आते हो, फलाना ये वो पता नहीं क्या क्या, हम इस चीजों को तो इग्नोर कर देते हैं। हाँ शहर वाले जो आते हैं, जो बसों में पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं सदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उनके लिए तो बोलते हैं कि चलो भाई इनको गाड़ी लेकर आए थे, लेकिन बोलते आप लोग तो यहीं पे रहते हो, करीब के रहने वाले, आप लोग को सवेरे आना चाहिए। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ जॉब से वापसी, क्योंकि सुबह जल्दी में था और टाइम नहीं था मेरे पास ना व्लॉग बनाने के लिए, तो अभी मैं वापसी आ गया हूँ। और अभी ना मेरी सिस्टर ने बोला है कि मेरी फेवरेट चीज घर पे आई हुई है और पकड़ी है किचन में, तो देखते हैं, मुझे पता नहीं, पता नहीं कौन सी फेवरेट चीज है, शायद जो मैं जानता हूँ ना वही है। क्या है भाई इसके अंदर? मेरी फेवरेट चीज तो है, लेकिन क्या है, एक मिनट चेक तो करवाओ भाई। अभी अभी आया हूँ, मुझे साइड, ओए हाँ मैं यही समझ रहा था, हाँ भाई मैं यही समझ रहा था, ये तो मेरे फेवरेट है भाई, मकई, ये मेरी बहुत फेवरेट है मेरे भाई जान। तो अभी जो है इसमें है भी 4, लेकिन हम तो 3 है, तो आप मतलब अच्छा यार मेरे सिस्टर के भी फेवरेट है, मेरे तो अलग है, मेरे सिस्टर के भी, चलो चलो शुक्र है कि ये चीज है तो सही। लेकिन एक बात बताऊं, इसके लिए हमें चाहिए नींबू और मसाला भी चाहिए, वो है अपने हमारे घर में, नींबू अगर चाहिए तो मैं नींबू बाहर से ले जा सकता हूँ, अगर मसाला है तो हमारे घर में बन जाएगा मसाला, तो फिर मैं नींबू जाके बाहर लेके आता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर नींबू शिम्बू लगा के ना बड़ा मस्त वाला टेस्ट आ जाएगा, बड़ा लेवल वाला टेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ और नींबू वगैरह जो भी घर के सामान है नींबू भी साथ में लाता हूँ और उसको मस्त करके खाते, क्योंकि यार अभी भी थका थका हुआ आया हूँ ना, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला यार आते ही व्लॉग बना लेता हूँ, ताकि जो है फिर टाइम नहीं मिलता मुझे अभी घर के काम वगैरह करने, तो अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ। यार घर वालों ने बताया नहीं कि नींबू हमारे पास अपने भी पड़ा हुआ है यार, पर वो कहाँ है, यहाँ पड़ा हुआ है ऊपर, ये नींबू है, ये गजब बेइज्जती है, इतना सा यार, ये देखो हमारे गरीबों के घर में कितना सा नींबू पड़ा हुआ है, सूखा सूखा लग रहा है, देखो कहाँ हो सकता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो खैर है थका हुआ, वैसे भी बाहर जाना होता अगर बाहर ज्यादा थक जाता तो चलो इसी लींबू से काम चलाते हैं, तो पिटकू सा चिट्टू सा, लेकिन इसी से ही काम चलाते हैं। अच्छा मसाला भी पता नहीं किस चीज से बना के देंगे, क्या है मसाले के अंदर, ये मिक्स मसाला नमक के साथ मिलाते, मिक्स मसाला ये है ना, कितना सा, हाँ बस सही है, तुम इतना, हाँ नींबू भी छोटा सा, हाँ बस सही है, इधर दो, चलो भाई। और मेरा मकई का है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दिया सिस्टर ने मेरे लिए, तो भाई चलो अभी इसको मजे लेकर इसको खाते हैं। आजो, 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 आजो। मकई वाला कैसे करता है, यूं पकड़ के और हाँ ऐसे करता है, कट 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 कट, पूरे मसाला इसमें जो है ना लगाना है, अरे हाय भाई मुझे बनाना है बिल्कुल लेवल वाला, समझ रहे हो ना आप लोग, अब बन गया लेवल का, अब इसको टेस्ट करता हूँ। चीज बढ़िया है, चीज बढ़िया है लेवल, अब इसको मैं जल्दी खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ। मेरा फेवरेट चीज खाई है, उसके मैंने क्या आशय कर दिया है, देखो इतना फेवरेट है मेरा यार, बहुत फेवरेट है, मजा आता है इसको खाने में। तो भाई
अब आपका भाई खा पी के अब जो है घर के काम शुरू करने हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे खाना ना अपना हजम भी तो करना है ना, तो इसके लिए मुझे काम करते करते मेरा खाना भी हजम हो जाएगा, फिर इस तरह लाइफ गुजरती है। डेली लाइफ रूटीन यही होती है, फिर सुबह सवेरे उठूंगा तो जॉब के लिए चलाऊंगा। तो अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया, कल छुट्टी है भाई मेरी, सैटरडे और संडे दो दिन छुट्टी होती है। ओह माय गॉड, वाओ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है। दो दिन छुट्टी करता हूँ ना, तो इसमें ब्लॉग भी बना लेता हूँ, आराम भी कर लेता हूँ, मतलब इसमें सब कुछ कर लेता हूँ इन दो दिनों में। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस ब्लॉग यहाँ पे करता हूँ एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत, हाफिज़।